तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग और कमाल की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हो चैनल डब्बा खोल। आज की वीडियो रहने वाली दो हेडफोन्स के ऊपर। दोनों हेडफोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं, एक है ज़ेप्डुक 101, एक है ल्यूमिफोर्ड HD70। दोनों की वीडियो अभी थोड़े दिन पहले मैंने खरीदी थी अपने चैनल के ऊपर। फुल डिटेल देखनी हो तो वहां पर जाके आप पूरी डिटेल के साथ दोनों वीडियोस को देख सकते हो, दोनों हेडफोन्स की। आज हम बात कर रहे हैं दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो, क्योंकि यहां पर आप में से काफी लोगों के जो कमेंट्स हैं और इंस्टाग्राम पे जो मैसेज हैं वो आए कि इन दोनों में से हमें कौन सा हेडफोन लेना चाहिए। दोनों की प्राइसिंग की बात करूं तो देखो दोनों ही हेडफोन्स 2000 रुपए के बजट के रेंज के अंदर आते हैं शुरुआत में, लेकिन अभी जब मैंने बाय किया ये वाला यानी कि ज़ेप्डुक 101 या 1099 यानी कि 1100 रुपए में, और ये वाला आया था कुछ 1600 रुपए के आसपास। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा हेडफोन आपके लिए बेटर रहेगा अगर अच्छी डील मिल रही है तो, वरना इन दोनों में से कोई सा भी कंसिडर मत करना। दूसरे हेडफोन्स इनसे ज़्यादा बेटर आपको देखने मिलेंगे, शुरुआत में आपको बता दे रहा हूँ। फिर भी ये वीडियो पूरी देख लो और यहाँ पर हर चीज़ की डिटेल से बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेम टू सेम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी दोनों ही हेडफोन्स की। यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ कर रखा है एकदम सेम देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि जो आपको मेटल की स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी वो भी दोनों के अंदर सेम देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर फर्क क्या है डिज़ाइन के अंदर, यहाँ पर आपको सिर्फ एक फर्क देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा ओवर ईयर में बड़ा है, जबकि ये अब पता नहीं ओवर ईयर है ऑन ईयर है ये बता रखा नहीं है यहाँ पर क्या है, लेकिन फिर भी अगर मैं ऑन ईयर की बात करूँ तो ऑन ईयर के हिसाब से ठीक है, लेकिन ओवर ईयर के हिसाब से ये छोटा आपको देखने को मिला। दोनों ही फोल्डेबल डिज़ाइन के साथ आते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ दोनों ही मतलब फोल्डेबल डिज़ाइन के साथ आते हैं। कुछ भी मतलब चेंजेस यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह एक ही फैक्ट्री के अंदर दोनों बना दिए गए। ऑक्स का सपोर्ट है, माइक्रोफोन का ऑप्शन मिलता है, माइक्रो यूज भी है, और यहाँ तक कि दोनों के अंदर आपको SD कार्ड का सपोर्ट मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको FM का जो सपोर्ट है वो दोनों के अंदर मिलता है। इवन बैटरी की बात करूँ तो दोनों की बैटरी 12 घंटे का आउटपुट निकाल के देती है, ये कंपनी क्लेम करती है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया। और उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर चार्जिंग स्पीड सेम है और भी जो चीज़ें हैं वो लगभग सेम है, जैसे कि ब्लूटूथ वर्जन सेम है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 40mm के ड्राइवर यहाँ पर दोनों की तरफ आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो सारी चीज़ें मैं देखूँ ना, मतलब कुछ भी स्पेक्स उठा के देख लूँ, सब यहाँ पर आपको सेम मिलेगा। बस यहाँ पर हल्की फुल्की डिज़ाइन और मैं कहूँगा कि इसका ओवर ईयर ये थोड़ा सा ऑन ईयर बोल सकता हूँ, ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। वेट के मामले में बात करूँ तो ये हल्का फुल्का थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है और हल्का सा भारी लग सकता है, ये थोड़ा सा हल्का लगता है अगर आप दोनों हाथ में एक साथ उठा के देखते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई वेइंग मशीन नहीं है तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी दोनों हेडफोन मैंने बाय किए हैं और यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग पूछेंगे कि इनमें से कौन सा बाय करना चाहिए, उनके लिए क्या कौन सा बेटर रहेगा। तो मैं बात करूँ ज़ेप्डुक 101 की तो देखो फीचर अच्छे हैं नो डाउटली, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग थी पहले 1900 रुपये थी, तो वहाँ पर तो बिल्कुल मत जाना, मतलब 1900 रुपये के अंदर मिले तो बिल्कुल मत लेना इसे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो इसकी वीडियो थी वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर 1100-1200 रुपये के अंदर मिल रहा है हेडफोन तो बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आपको उस हिसाब से आपको फीचर काफ़ी बढ़िया मिल रहा है और ऑडियो क्वालिटी वहाँ पर मैंने डिटेल से बताई, जो इसकी पूरी वीडियो वहाँ पर मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि कैसी ऑडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो आप ले सकते हो। वहीं बात करूँ इसकी ज़ेप्डुक की जगह अगर आप HD70 लेते हो तो यहाँ पर क्या फीचर बढ़िया लगा मुझे, इसकी कुशनिंग बढ़िया लगी, फोल्डेबल डिज़ाइन है, SD कार्ड का सपोर्ट आता है, FM का सपोर्ट है, और FM अब की बार चल गया था, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि चल नहीं रहा है बहुत दिक्कत के बाद, यहाँ पर मतलब बताने रखा यूज़र मैनुअल में भी कि कैसे ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए सिंपली आपको जो मोड बटन है उसको प्रेस करना है, यहाँ से आपका FM मोड चालू हो जाएगा और उसके बाद जो वॉल्यूम ब्लॉकर्स है उससे आप ट्यून कर सकते हो अपने चैनल्स को। तो ये चीज़ पहले इसके मैं कहूँगा कि यूज़र मैनुअल में नहीं लिखी थी, वो मैंने अपना को तुक्का फेला यहाँ पर और चल गए। तो ये हेडफोन भी ले सकते हो, लेकिन इसका भी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 1100-1200 मैक्सिमम शायद 1300 रुपये, इससे ज़्यादा अगर प्राइसिंग आती है तो बिल्कुल इस हेडफोन की जगह दूसरे हेडफोन ज़्यादा बेटर डील आपको देखने को मिलेगी और ज़्यादा बेटर फीचर भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनके अलावा अगर आपकी जो डील है मतलब अगर कोई बढ़िया हेडफोन मैं बताऊँ सजेस्ट करूँ तो इससे ऊपर जा सकते हो आप, बोल्ट का बूस्ट मॉडल आता है ज़ेप्डुक, इसकी जगह ले सकते हो जो नॉर्मल ज़ेप्डुक आता है, 1300 या 1400 रुपये के अंदर आराम से मिल जाता है वो हेडफोन। और सेल का अगर इंतज़ार करोगे तो बोट का 550 आराम से मिलता है 1500 रुपये के अंदर, और बोट का 450 प्रो भी ले सकते हो अगर ऑन ईयर सेटअप की तरफ जाना है, और थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हो तो बोट का 600 भी एक अच्छा मैं कहूँगा ऑप्शन है अगर
अगर कोई हेडफोन ऑन ईयर सेटअप के साथ ढूंढ रहे हो। तो दोस्तों ये सब कुछ था इन दोनों ही हेडफोन्स के बारे में, छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की थी और मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और कौन सा हेडफोन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और आपको एक वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।